हल्की हो रही है। कि आसाम की धरती पर जब से मैं आया हूँ, दो व्यक्तियों के नाम की चर्चा सब जगह है। यहाँ जितने भी लोग हैं शंकरदेव और माधवदेव के बारे में उनकी गाथाओं को गाते हैं, बहुत अधिक लिटरेचर भी बनाया है और उन्होंने उस समय इस वैष्णव संस्कृति को बचाने की दृष्टि से और लोगों को धर्म से जोड़े रखने के लिए जो प्रयत्न किया, उसके कारण से वो इतने वर्षों के बाद भी, वो 15वीं शताब्दी का अवसर था, आज अपन इतने वर्षों के बाद भी उनका स्मरण करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो इस कारण से करते हैं कि उन्होंने समाज को बहुत कुछ दिया और समाज आज इस यात्रा को यहाँ तक जो कर पा रहा है, वो उनका जड़ में उन लोगों की तपस्या, साधना और उनके द्वारा दी हुई शिक्षा के कारण से हमारा ये जो वैष्णव धर्म है वो इस ऊँचाई तक आसाम में जिंदा रहा। उसकी जड़ में अगर कोई है तो ये दोनों महापुरुष हैं, शंकरदेव और माधवदेव। देखो, मैं तो दर्शन तो किया, मेरी जानकारी में नहीं था, मुझे यहाँ आने पे बताया कि माधवदेव की यह तीर्थस्थली है, तो मैंने कहा यहाँ तीर्थस्थली पर अगर मैं भी प्रणाम करूँगा तो मुझे भी कुछ न कुछ आशीर्वाद मिलेगा, जिससे मैं समाज का और देश का अच्छा सेवक बनकर ईमानदारी से काम करूँ जनता के लिए, जिस जनता ने मुझे ये सम्मान दिलाया।